चुनाव का मौसम है तो नेताजी ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने हिदायतों की एक लिस्ट जारी की है। इन हिदायतों में सबसे अहम हिदायत यह है कि अब उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जनता को अखबार के जरिए बताना होगा। इस पूरे मामले को सुनकर कमर जलालवी का एक शेर याद आता है, कभी ना कहा किसी से तेरे फसाने को, ना जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर इलेक्शन कमीशन ने रविवार को कई अहम ऐलान किए। चुनाव आयोग ने कहा कि अब आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को उनके खिलाफ दर्ज हुए मामलों की जानकारी एक नहीं, दो नहीं, कम से कम तीन बार विज्ञापन देकर अखबार में छपाना होगा। यानी अब नेताजी दामन पर लगे दाग छुपा नहीं पाएंगे। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे जनता उम्मीदवारों को और बेहतर तरीके से जान सकेगी और वे सही फैसला कर पाएगी। यही नहीं, इन विज्ञापन को व्यापक सर्कुलेशन वाले अखबारों में ही देना होगा। यानी छोटे अखबारों में विज्ञापन देकर अब नेताजी बच नहीं पाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने बताया कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2018 के संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। अभी तक आपने नेताजी को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हुए पढ़ा होगा, लेकिन अब आप उन्हें अपनी करतूतों का बखान करते हुए भी देखेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग की इन हिदायतों पर कितना अमल किया जाता है।